और एक किसी चीज़ की सच्चाई या एनालिसिस करके प्रेजेंट करता है सो दैट इज़ हाउ दे डिफ़र इन देर जॉनर सो इफ यू लुक एट द डेफिनेशन वॉट इज़ इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन इट्स प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द नेचुरल और सोशल वर्ल्ड यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड है या जो सोशल इंटरेक्शन है यानी दुनिया है उसके बारे में हम इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को तो इट इज़ वेरी न्यूज़ बेस्ड ये इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन जो है ये राइटिंग या ये स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा फैक्ट शीट्स में इस्तेमाल होता है जब हम बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्वर्ड फैक्ट प्रजेंट करना चाहते हैं उसके आगे कोई एनालिसिस नहीं है उसके आगे कोई रिव्यू नहीं है बस एक इन्फॉर्मेशन है सेट योर इन्फॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू प्रजेंट दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशनल नॉन फिक्शन यू विल भी यूजिंग दिस अलॉट इन योर करियर एज यू मूव फॉरवर्ड स्पेशली इन बिजनेस रॉइटिंग बिकॉज यू इन्फॉर्मिंग पीपल what you want to say. There is uh, not always an in-depth analysis. Especially when you meeting minutes, you have tell what happened in meeting. You jot down That becomes informational non-fiction. Basically, the tips and tricks that we will share with you right now about how to write informational non-fiction are uh, coming up. So, what do you do with a tale like this? This is basically a book.

इफ समी हैज ए टेल वॉट डू दे डू विदेल अपने हाथों पैरों के साथ वो क्या करता है सो वेरी फैक्चुअल ये है इस तरह है ऐसे होता है एक इंसान है वो ऐसे होता है सो इन्फॉर्मेशनल नॉन फिक्शन इज एक्सट्रीमली गेयर टूवर्ड्स जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ इट एंड नॉ नॉट डूइंग एनीथिंग बियन्ड दैट सो हाउ डू यू राइट इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन रिसर्च 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 नॉन फिक्शन में वैसे ही रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है मगर इन्फॉर्मेशन नॉन फिक्शन में भी और ज़्यादा इम्पॉटेंट हो जाती है कि जब तक आपको ये ना पता हो कि आप बताना क्या चाह रहे हैं और उसके फैक्ट्स क्या हैं उसके ट्रूथ क्या है वो आप कैसे आगे बताएंगे सो so, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है आजकल बहुत सारे लोग जो है वो गूगल पे रिसर्च करते हैं बट यू हैव टू टेक द रिसर्च और द मटेरियल दैट इज़ प्रेजेंट ऑन गूगल विद अ पिंच सॉल्ट उसको भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है अब आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आप और लोगों से पता कर सकते हैं किताबों से क्रॉस चेक कर सकते हैं सो डोंट ऑलवेज बिलीव वॉट गूगल सेज अक्सर ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें कहता है आपको ये बीमारी है हम वापस आते हैं गूगल करते हैं और हमें लगता है कि ओहो हम तो कल मर जाएंगे तो डॉक्टर अब अब कहना शुरू हो गए हैं कि देखें ये बीमारी आपको है मगर गूगल मत कीजिएगा बिकॉज गूगल इज एक्सट्रीमली अनरिलायल सो बट एज अ रिसर्च टूल इट इज़ देयर इट्स अवेलेबल फ़ॉर एस वी शूड यूज इट बट ऑलवेज क्रॉस चेक विद अदर सोर्सेज इज वेल आउटलाइन ऑल द फैक्ट्स एंड टाइम फ्लो यानी कि फैक्ट्स क्या क्या हैं कब कब हुए कैसे कैसे हुए कौन सा फैक्ट पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ यू स्ट्रक्चर इड दैट वे टाइम लाइन पे आ जाए क्या करना है कब बताना है कैसे बताना है तो वो आपको दैट विल मेक श्योर देट यू स्टे ऑन द पाथ ऑफ द ट्रूथ विजल क्यूज जिस तरह हम फीचर uh, राइटिंग में फिक्शन राइटिंग में हम बात करते हैं कि इमेजरी हमें क्रिएट करनी है तो हम इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन में भी इमेजरी थोड़ी बहुत क्रिएट करते हैं लोगों को विजुअल क्यूज़ देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेन यू वॉन्ट टू से इट इज़ गोइंग टू रेन तो हम उनको बताते हैं कि जो बारिश है वो बूंदाबांदी है या झक्कड़ चलेंगे स्टॉम आएगा वॉट काइंड ऑफ रेन विल इट बी सो यू इट्स सेंग येस इट्स गोइंग टू रेन Is sometimes enough, but not always. It's always also good to give the visual cue. It's going to be a tornado, it's going to be a storm, lightning is going to strike. So, you're giving exact details of what is going to happen and you're letting the person create that visual imagery that keeps the reader engaged. Convey factual information. We will say this over and over and over again in non fiction that conveying factual information is extremely important and especially with informational non-fiction where you are giving an in information aap analysis nahi kar rahe to apna view point nahi de rahe koi aap truth ko khol nahi rahe aap jaisa dekh rahe present kar rahe factual information bahut zyada important ho so it is important that we write all of these be very truthful to ourselves research and make sure that we are writing with a lot of conviction and consciousness of responsibility in presenting the correct information. Thank you.